और एक साथ सी रिश्ते अवार्ड्स में आना एज मतलब अ फैमिली परिवार के जैसे पूरा अपना पूरा टीम पूरे परिवार के साथ आना एक साथ बहुत मज़े करेंगे सो आई एम रियली एक्साइटेड बहुत खुश हूँ। और जी रिश्ते अवार्ड्स में मैं लास्ट टाइम भी आया था और ये दिस इज़ लाइक अ होम टर्फ फॉर मी और मेरा फैमिली जैसा रिश्ता है यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जी टी वी इतना 30 years इट्स लाइक अ बिग थिंग बहुत बड़ी बात है 30 साल तो इसलिए मैं बस कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी एंड थैंक यू जी टी वी फॉर गिविंग अस मिठाई एंड दी एंटायर टीम गिविंग अस मिठाई एंड सिद्धार्थ बस जस्ट हैप्पी एंड थैंकफुल। कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्चुअली मैं अपने चाइल्डहुड से अगर सबसे पहला चैनल मैंने कोई सुना तो जी टी वी एंड टुडे आई एम वर्किंग विद देम इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड मैं बहुत खुश हूँ बहुत ग्रेटफुल हूँ थैंकफुल हूँ कि मुझे जी टी वी ने मौका दिया सिद्धार्थ प्ले करने का। थैंक यू। Thank you.
वी आर डैम एक्साइटेड एंड वी आर वेटिंग कि आप सबको वो अच्छा लगे और अच्छी. सो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड एंड वी ऑल आर वेटिंग कि आपको कल अच्छा लगेगा एंड वी विल गेट ऑल द बेस्ट विशेज एंड गुड न्यूज. गुड न्यूज कौन सी एपिसोड? चलो चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू. जवाब दो. थैंक यू. आप लोग मुझे हमेशा यही कहते हैं कि मैं बेहद खूबसूरत लग रही हूँ. थैंक यू वेरी मच एंड एक्सक्यूज़ मी फॉर माय वॉइस, क्योंकि मैं गौरी हूँ ना, मैं चीखती चिल्लाती हूँ, लड़ाई झगड़े बहुत करती हूँ, इसलिए आवाज़ बैठ गई है. लुक गौरी है, बस यही कहूँगी. अब ये कामया नहीं है, ये गौरी है. अब फिर पूछ बताओ मुझे. बहुत आवाज़ हो रही है, थोड़ा जोर से बोलो ना. अभी तो लॉन्च है हमारा और अच्छा लगता है. बस उम्मीद करती हूँ कि जो प्यार शुरू हो चुका है वो आगे बरकरार हो और बस हम ऑडियंस को एंटरटेन करते रहे और आप लोग ऐसे ही हमें प्यार देते रहें. यस सॉरी. शबी सर के साथ परफॉर्मेंस है और क्या क्या है, सो आई एम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. तो लेट्स सी क्या होता है. अवे हैप्पी बर्थडे. और आई एम रियली हैप्पी कि उनके 30th बर्थडे पे मैं जी टी वी का एक पार्ट हूँ. तो आई एम रियली फीलिंग हैप्पी. मैं कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रही हूँ, क्योंकि आई थिंक मेरे बाकी बिहारी जी जो हैं वो मुझे मेरे एक्सपेक्टेशंस अगर मैं रखती उससे भी ज़्यादा देते. तो मैं एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखती हूँ, सब उन्हीं पर छोड़ देती हूँ, जो होगा वही देख लेंगे. थैंक यू सो मच. यहाँ पे आपके
हाय या आई गेस यस मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली जी रिश्ते में आने की. जहाँ तक मेरी फेंट मेमोरी है, मैं नहीं आया हूँ जी रिश्ते में पहले, और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. और मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे सारी कैसी सारी चीज़ें होती हैं, सो आई विल डिस्कवर इट टुडे. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग अ जी शो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. मैं एक्चुअली कोई भी कैटेगरी के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव जस्ट जॉइंड जी टी वी एंड दिस शो हैज़ बीन आई एम डूइंग दिस शो सिंस ओनली 2.5 months आई गेस. सो आई डोंट थिंक सो आई एम एलिजिबल फॉर अ नॉमिनेशन, बट लेट्स सी. आई थिंक जी टी वी इज़ अ पायनियर इन मेकिंग टी वी शोज. एंड यू नो, मुझे याद है जब बचपन में स्कूल से आके हम लोग जी टी वी देखते थे, क्योंकि जी टी वी ही हुआ करता था और कोई चैनल ही नहीं होता था. और एक जी हॉरर शो आता था, आई यूज़ टू वॉच दैट शो अलॉट. सो देर आर मैनी आइकॉनिक शोज ऑन जी, लाइक हम पांच एंड अदर शोज, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और जो मेरे बचपन की यादों से जुड़े हुए हैं. सो या आई थिंक जी के लिए एक स्पेशल कॉर्नर है मेरे हार्ट. थैंक यू सो मच. क्या लास्ट क्वेश्चन? अभी जर्नी के लिए तो मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ 2.5 महीने हुए हैं मुझे जर्नी के लिए. बट आई एम क्वाइट हैप्पी कि ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि इट्स क्वाइट चैलेंजिंग टू यू नो एंटर समवन एल्सेस शूज. बट द ट्रांजिशन वॉज स्मूथ एंड पीपल एक्सेप्टेड इट एंड पीपल आर वॉचिंग इट. सो आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड. क्या क्या फ्रैंकली स्पीकिंग आई वॉज नॉट रियली कम्फर्टेबल टू डू एन ऑन गोइंग शो. कोई भी अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आती थी तो मैं मना कर देता था अप फ्रंट, लेकिन ये बालाजी था और प्लस ये शो काफ़ी टाइम से चल रहा था और काफ़ी लोग देख भी रहे थे इस शो के बारे में, और मैंने काफ़ी कुछ सुना भी था, ऑल्दो मैंने कभी देखा नहीं था पर्सनली. बट जब मुझे अपॉर्चुनिटी आई और जब मुझे ये कैरेक्टर मैंने सुना, तब मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि अब इस कैरेक्टर में बहुत कुछ है करने को. और बहुत कम ऐसे मेल एक्टर्स होते हैं जो जिनको जस्टिस मिल पाता है टेलीविज़न पे. सो आई थिंक आई वाज द लकी वन कि मुझे यहाँ पे वो जस्टिस मिल पा रहा है. थैंक यू सो मच. आज की शाम अच्छी है, खूबसूरत है. जी रिश्ते अवार्ड्स हैं, रिश्ते इतने पुराने हैं जी के साथ, तो मुझे लगता है जो नए रिश्ते भी जुड़े हैं उनको भी मौका मिलता है अपना टैलेंट दिखाने का. और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, बहुत अच्छा चैनल है ये, तो उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा इन अवार्ड से. सो आई विश देम ऑल द बेस्ट.